जय श्री मान जय प्राप्त चला के रहेंगे दो माने ज्ञान तीन माने खाना। इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है पढ़े लिखे लोग भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ है वो जानना जरूरी है और इसीलिए गुरुवाना आंदोलन का सही अर्थ है सत्य की खोज। हीरा सिंह भी बोलता है सत्य नहीं है तो मत मानो, समाज का भला सत्य नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी उपन्यास और फलाने फलाने बात करते हैं, अभी इलाहाबाद वाले को मैंने बताया तुमको कुछ पते नहीं था, माइक पर खड़े हो जाते हो क्योंकि मैं समझ लो हिमाल ये गंगा नर्मदा इसलिए बना रहा हूँ, ये नर्मदा की गंगा की उम्र 7 करोड़ साल, हिमालय पहाड़ों की उम्र 7 करोड़ साल, ये माई नर्मदा की उम्र जो है पढ़े लिखे लोग नोट कर लेंगे 35 करोड़ साल है। द्वितीय प्रलय में नहीं डूबी है, बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं वो नर्मदा नदी को ज्यादा पवित्र मानती है। नर्मदा का हर संकट है, पानी तो है पहाड़ तो है, यहाँ से सोनभद्र नदी उत्तर प्रदेश जाती है, यहाँ अज्ञात वासी आते हैं सब सोन गुना। नर्मदा तो फिर इसके 30 किलोमीटर उत्तर 30 किलोमीटर दक्षिण में आज तक अभाव नहीं पड़ा है। ये नर्मदा माई की कृपा है, मैं बताऊंगा तो गंगा जाओगे। जिस आश्रम में रुकता हूँ वो पत्थर में सो जाता था, पानी उसके शरीर में नहीं मिलता था, धूप में वो पत्थर में सो जाता था, धूप नहीं लगती थी। उस समय अजीत प्रमोद कुमार जी कलेक्टर थे सागर के, आज अनूपपुर जिला में है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हल्ला मत करना नहीं तो दादाजी फेंक देते। दादा दादा हूँ मैं, दादा की नहीं जानता हूँ इस उम्र में और इस खराब हालत में, जैसे को तैसा ट्रीट पार्टेड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ डॉक्टर सतीश लाल जी मंच में पधारे हैं, ताली बजा के स्वागत कीजिए। मेरे साथियों ने कहा है कि एक संदेश के साथ आ, अभी 7 बजे हैं, 8 से 9 के बीच में खिचड़ी खाऊंगा, 3 बजे कार्यक्रम में शरीक होऊंगा, क्योंकि आज मेरा औपचारिकता तो मुख्यमंत्री की ओर से मेरा जैसे सम्मान करके मेरा जन्मदिवस मना लिया गया है। मेरे नाती और मेरा जन्म तारीख एक था छोटा वाला, उसके साथ भी दिन की लड़कियों खिला दिए गए हैं, तो इस प्रकार से असली सम्मान होगा। जैसे अर्जुन ने कहा था कि बेटा तकिया ला लो, ओ दुर्योधन आज बड़े बड़े मखमल की तकिया लेके लाओ, अरे बोले कोई काम का नहीं है रे, क्यों क्या सुनो तो है, मैं जो बताया अभी 35 करोड़ साल किसी को पता नहीं, अटल सत्य है ज्योग्राफी से दे रहा हूं। अंत में अर्जुन आया, ऐसी तीन तार तीन तीर मारा मुंडी से बड़ी हंस, हाँ बेटा ये है वीरों का तकिया, वैसी मेरा तकिया भी है, नोट करते जाना, टेक भी करो। हाँ गुणवाना समृद्धि बस 1 करोड़ करोड़पति बनाऊंगा इस साल, भाषण देने नहीं आया हूं, तू भी ऊपर बैठ करके निर्विरोध सरपंच बना है और गुणवाना गणतंत्र फोटू 9 साल से चला रहा है, जो बच्चियां 8वीं फेल थी 10वीं फेल थी और एम ए हो के निकल रहा है, ये है अध्यक्ष जी अपने
इनके दादा आते थे पर वो भी मेरे जैसे लगभग 3 महीने से बहुत ही ज्यादा खराब था तबीयत, फेफड़े से 2-3 लीटर पानी भी निकाला गया। दोबारा भी मैंने भेजा, हर महीने जांच कराओ। अभी उनका टीबी का इलाज चल रहा है। हम दोनों, मैं तो घूमते फिरते रहता हूँ पर बहुत से साथी तो वो भी जीवन का आशा छोड़ के घर डाक कर भी हमारे बारे में आशंकित था। बोलता है दादा आप तो विश्वास नहीं है ना। मैंने कहा तुमको क्या विश्वास था, ये तो आपका स्नेह है जो इतना काम करने के बाद भी 3-4 महीना 5 महीना नींद नहीं आई। सुबह शाम रात आज भी परेशान है डॉक्टर लोग। दादा बड़े बस सोते क्यों नहीं, 4 बजे से लगातार काम कर रहा हूँ सुबह से। ऐसा नहीं है कि मैं बटरस्ती कर रहा हूँ। आज आपको बहुत बड़ा चीज दे दिया जाए। गुणवाना गणतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कोटुंग से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तक ताली बजा दिए। यहाँ भी संसार के लोग गोंडी भाषा पढ़ने आएंगे, गोंडी संस्कृति को समझने आएंगे। कचारगढ़ भी आज ही खोल दिया। गुणवाना गणतंत्र गोकुल से महाविद्यालय तक, क्योंकि जिनको का साधना इस सदाई से उसमें मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूं। आज जो कुछ भी हैं हम, लिंगो माने होता है लब्ध माने भाषा, गो माने ज्ञान, कुत्ते की बोली क्या है, चींटी की बोली क्या है, ये सब लिंगो को ज्ञान है। इसलिए लिंगो की डिग्री है, लिंगो जंगो जागृति की डिग्री है। तो समाज को जगा दे वो जंगो है। और इस तरीके से लिंगो जंगो को हम अपना, जिन्होंने गोत्रावली बनाया, समाज को पैदल चल के ये समाज को जगाया है। इसलिए आज भी हम लिंगों के बहुत जगह लोगों को पता नहीं है कि मैं ऐसा रास्ता निकालता हूँ कि लोगों को पता नहीं चलता। यहाँ कुछ लोगों ने जय शिवा जय लंकेश जय रावण बोलते रहे, मुझे के साथ रहता हूँ पर मैं कभी लड़ता नहीं। मैंने दोनों के बीच में जय गुणवाना निकाल दिया। राधे 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 कहके समाज को खूब रात भर 2-3 दिन नचाता। दादा ने एक धुन निकाला, सेवा सेवा सजोर पेन सेवा, सेवा सेवा सजोर सेवा 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 सजोर सेवा। आज कल जला के लोग रात भर नाचते हैं, बाबा कहा तो दादा लड़ते नहीं, रास्ता निकालो लड़ो मत। जानवर लड़ता है, आदमी कैसे लड़ेगा यार। तो चलो ये मेरा प्रस्तावना रहा, अभी पुरस्कार का देने के बाद मैं करीब मात्र आधा घंटा भी जाऊँ। बोलिए अनिल जी जो पैसे मिले हैं बच्चों को, जो कलाकार होंगे भविष्य में, मैं उसका भी जानकार हूँ। छड़ी दीजिए, 3 दिन में वो चमकने लगे। ऑलराउंड करो, कैसे खड़े होना है, कैसे नाचते समय कैसे क्या भाव रखना है, ऐसा बुझाते हो। अरे आजा थोड़ी होता यार, अभी जा रहे हमें खुशी है, नकल को कर रहे। अब उसमें अकल लगाना पड़ता है नकल में, तो ताकि भगवान समझ जाए कि हाँ ये कलाकार कलाकार से नीचे नहीं रखता। सामने मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपनी कला का प्रसार करता है साथियों सभी को। मैं फिर बोलूंगा, सुन लो
सजाई सजाग रहो है कि पढ़ी लिखी रहो विश्व मास्टर रहो हम अभी महाराज की सात आठ दिन लोग आए मेरे लोग कहते तुम्हारी उम्र क्या है तो कोई अर्जात कोई सरसर तो मैं कहे साठ में तुम्हारा मास्टर हो गया करे तुम लोग बिना उम्र के बुढ़ाओ वाले आ रहे हो शरीर ही पहला धन है पहला सुख निरोगी काया ध्यान से सुनो पहला सुख निरोगी काया